हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मसाला पूरी। कोई फेस्टिवल हो या किसी पूजे का प्रसाद हो या अगर घर में मेहमान आया है तो पूरी तो बनती है। पूरी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बने तो आप इस स्टेप जरूर फॉलो करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वादिना। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। आटे को मैं सबसे पहले गूंथ कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 कप आटा लिया है। और लिया है 1 चम्मच कलंजी, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच अजवाइन, 1 पिंच हल्दी और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक दे के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और दे देंगे 2 चम्मच तेल। तेल देके अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ और आटे को ऐसा मंडा बना के थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद ऐसा टूट जाती है तो समझे अच्छे से तेल मिक्स हो गया है। इसमें पूरी बनती है क्रिस्पी। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। पूरी के लिए थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे, मतलब रोटी पराठा से थोड़ा सख्त। अभी गीला कपड़े से आटे का मंडे के ऊपर ढक के रखेंगे 20 से 25 मिनट। इसमें आटा फूल जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और पूरी बनाने के लिए सेट भी हो जाएगा। अभी 20 मिनट हो गया है और आटा सेट हो गया है। अभी आटे को थोड़ा टाइम मसल लेंगे। अब हम आटे से तोड़कर लोइया बना लेंगे। इस तरीके से छोटा छोटा लोइया तोड़ लेंगे। अब हम लोइयों को गोल करके पेड़ा बना लेंगे। लोइयों को इस तरीके से दबा के ऐसा गोल पेड़ा बना लेंगे। सारे लोइयों को इस तरीके से पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको वापस गीला कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ये ना सूख जाए। अभी कढ़ाई में तेल गरम होने देंगे। एक लोइया को उठा के ऐसा पतला गोल पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। पूरी बनाने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म भी हो गया है। एक पूरी तेल के ऊपर सेकने के लिए दे देंगे। और एक साइड होने के बाद दूसरा साइड पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। अभी ऐसा करके सब पूरियां फ्राई कर लेंगे। अभी पूरी सर्व के लिए रेडी हो गया है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं नया रेसिपी लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।